शारदीय नवरात्र के सातवें दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि हमेशा अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है और शुभ फल प्रदान करती है, इसलिए माँ का नाम शुभकारी भी है। देवी भगवत पुराण के अनुसार माँ कालरात्रि अभय वरदान के साथ ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है, साथ ही आकस्मिक संकटों से भी मुक्ति मिलती है। माँ कालरात्रि को काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, रुद्रानी, चामुंडा, चंडी, रौद्री और धूमरोना देवी के नाम से भी जाना जाता है। माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए माँ को गंगाजल, गंध, पुष्प, अक्षत, पंचामृत और अक्षत से माँ की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा माँ के इस रूप को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है और इसके श्वास से आग निकलती है। माँ के बाल बड़े और बिखरे हुए हैं और गले में पड़ी माला बिजली की तरह चमकती रहती है। माँ कालरात्रि को आश्रित शक्ति का विनाश करने वाला बताया गया है। इसके साथ ही माँ के तीन नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल व गोल है। माँ के चार हाथ हैं, जिनमें एक हाथ में खड़ग अर्थात तलवार, दूसरे में लौह अस्त्र, तीसरे हाथ अभय मुद्रा में है और चौथा वर मुद्रा में है। माँ कालरात्रि का वाहन गदर्भ अर्थात गधा, जो समस्त जीव जंतुओं में सबसे ज़्यादा परिश्रमी और निर्भय है। माँ इस वाहन पर संसार का विचरण करती हैं। देवी का यह स्वरूप तमाम सिद्धियों प्रदान करने वाला है। माँ अपने इस रूप में भक्तों को काल से बचाती हैं, अर्थात जो भक्त माँ के इस स्वरूप की पूजा करते हैं उसे अकाल मृत्यु नहीं होती है। पुराणों में माँ कालरात्रि को सभी सिद्धियों की देवी कहा गया है और इनकी उत्पत्ति दैत्य चंडमुंड के वध के लिए हुई थी। माँ की पूजा करने पर क्रोध पर विजय प्राप्त होती है और माँ हर भक्तों की हर मुराद को पूरा करती हैं। सप्तमी की पूजा अन्य दिनों की तरह होती है, लेकिन रात्रि में माँ की पूजा करने का विशेष विधान है। तांत्रिक क्रिया की साधना करने वालों के लिए माँ का सातवां दिन विशेष महत्वपूर्ण है। तंत्र साधना करने वाले मध्य रात्रि में तांत्रिक विधि से पूजा करते हैं। बताया जाता है कि इस दिन माँ की आंखें खुलती है। पंडालों में जहाँ मूर्ति लगाकर माता की पूजा की जाती है, सप्तमी तिथि के दिन माता को नेत्र प्रदान किया जाता है। माँ का नाम लेने मात्र से भूत, प्रेत, राक्षस, दानव समेत सभी पैचासिक शक्तियाँ भाग जाती है। ये बासंती नवरात्र का ये सातवां दिवस है और जिस दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है, जो शक्ति की स्वामिनी देवी कही जाती है और नवदुर्गा में इनका सातवां स्थान है, जो मतलब पूरे पृथ्वी पर आसुरी शक्ति का अंत करने के लिए प्रकट हुई थी और भक्तों को अभय वर प्रदान करती है, वो माँ कालरात्रि है। माँ को गुड़ का बहुत मतलब गन्ने से जो पदार्थ बनाया जाता है वो भोग माँ को बहुत पसंद है, इसलिए माँ को गुड़ के ढेले का भोग लगाना चाहिए। मतलब महाकाली से संबंधित है तो जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, नमोस्तुते, यही नाम माँ का जपे जिससे सबका कल्याण होगा। लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में आप माता रानी से क्या कुछ विनती कर रहे हैं? अब तो माता रानी से केवल समाज के कल्याण के लिए ही प्रार्थना है। माँ से ही विनती है कि माँ इस विपत्ति को बहुत दूर करे और सबका मंगल करे, सबको स्वस्थ करे, अभय वर दे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल धर्म कर्म को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।